हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। इसके पहले के वीडियोस में आपने मल्टीपल्स, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, उनके कंपेरिजन, एवरेज, क्वेश्चन आंसर और काफ़ी सारी चीज़ों को हमने देखा है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है सिंपल फ्रैक्शंस। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, और हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स। तो बच्चों, तो पहली बात है ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट। इसका मतलब क्या है? अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें, सपोज मान लीजिए मैं फ्रैक्शन का मतलब बोल दूं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं लेमन टर्म में, लेमन यानी एकदम नॉर्मल बात में मैं कह दूं, अगर आप कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म क्या है आपका, समथिंग बाय समथिंग, या फिर इसको कहते हैं ए बाई बी, या फिर हम कहते हैं एन बाई डी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज मैं मान लीजिए टू, क्या मैं टू को लिख सकता हूँ टू बाई वन? अगर मैं लिखूँ फोर, क्या लिख सकता हूँ फोर बाई वन? क्या मैं इन दोनों को मिला कैसे लिख सकता हूँ टू बाई फोर, या फिर फोर बाई टू? तो ये सारे क्या है, एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब लिखने का तरीका। ये सब के सब क्या है, फॉर्म है, लिखने का तरीका, जो कि है फॉर्मेट में ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर्स प्लस बी विल नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या से बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे टर्म b इज नॉट इक्वल टू जीरो। रीजन, कोई भी नंबर 2 डिवाइडेड बाय 0 का करते हैं तो ये बन जाता है अनडिफाइंड, है ना। तो हमें ऐसे फ्रैक्शन बनाना है जहां पे हमारा जो b है वो बन जाता है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। इट कैन बी एनी नंबर बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे मैंने n किसे लिखा है और d क्यों लिखा है। देखिए, अगर हम फ्रैक्शन में बात करें ए बाई बी, चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। मैं अगर आपको बोलूं ए बाई बी कोई भी नंबर है, ए इम्प्लाइज एनी नंबर या एनी नेचुरल नंबर, एनी होल नंबर लिख सकते हैं आप, एनी नेचुरल नंबर प्लस जीरो कर दे रहा हूँ मैं, होल नंबर बन गया। और यहाँ पे बी जो आपका है एनी नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, बिकॉज जीरो नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया क्यों। तो यहाँ पे जो ए है, इस ए को हम कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और बी को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट एक फ्रैक्शन का लिखने का तरीका, यानी कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म जो होता है, उस फ्रैक्शन के कोई भी फॉर्म को हम ले ले, उस फ्रैक्शन के फॉर्म हमेशा होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कोई भी नंबर अगर ले ले, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज 3/5, तो ये 3 हमारा क्या है, न्यूमरेटर, और हमारा 5 क्या है, डिनोमिनेटर। मैं आपको a बाई बी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग ऑब्वियसली ये ए बी है और ये बी बी है जो मैंने पहले बताया। मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सामने जो वीडियोस आने वाले या उनमें जो टॉपिक्स आएंगे उनमें आपको a और b या फिर उसको हटा के मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वर्ड का यूज़ करूँगा। तो आप समझ गए कि कोई भी चीज़ का इसका फॉर्म हो a बाई बी में या फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में, उसको हम कह सकते हैं एक फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, कोई भी चॉकलेट हो सकती है, और इस चॉकलेट में सपोज मान लीजिए टोटल 10 पीसेस हैं। तो अगर मैं बोलूं आपको टोटल पार्ट्स कितने पॉसिबल है, विच इज इक्वल टू 10, ओके। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे येलो से मार्क कर रहा हूँ, सपोज मान लीजिए ये पर्सन ए को मिला, 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 ठीक है। और दूसरा मान लीजिए ये मिला बी को, ये मिला बी को, ये मिला बी को, ये मिला बी को,
अब ये मिला बी को, तो मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए को कितना मिला, ए को मिला है आपको 5, बी को भी कितना मिला 5, टोटल में कितना हो गया 10 पार्ट्स, है ना। ओके नाउ मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन मुझे बताइए ए का, और यहां पूछ सकता हूं फ्रैक्शन बताइए बी का, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। इसका फ्रैक्शन लिखने का जो तरीका होता है, ये मैं लिख देता हूँ, इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट दोनों के लिए बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो है पार्ट्स टेकन या ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। ये हो गया आपका सिंपल कॉन्सेप्ट। ये इसको आप लॉजिक लगा सकते हैं कि हम लोग जो भी फ्रैक्शन का आंसर लिखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही गिरने वाला है, है ना। ओके तो चले जाते हैं आंसर में हमारे। हमारा फ्रैक्शन का ए का पार्ट कितना है, हम फ्रैक्शन ले लेते हैं ए का, क्या हो जाएगा पार्ट्स टेकन, कितने पार्ट उन्होंने टेकन किए हैं, कितने लिए हैं ए ने 5 आउट ऑफ 10। ओके बी का कितने पार्ट है, सेम 5 बाय 10। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे और सिर्फ ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आपका फ्रैक्शन अगर आप ए प्लस बी करते हैं तो इट शुड कम इक्वल टू 1, जो कि आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एडिशन का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एडिशन और फ्रैक्शन का अलग टॉपिक है, बस मैं आपको इतना बता दूँ कि दोनों का एडिशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही है ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसके अलावा जो आंसर आएगा एडिशन करने के बाद उसका आंसर हमेशा 1 या फिर होल, इसको हम होल भी कहते हैं फ्रैक्शन में, इसे होल कहते हैं, इसे कहते हैं होल, इसे कहते हैं 5 पार्ट। ये 5 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट, ये भी 5 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट फॉर बोथ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए सपोज एग्जांपल एक बैग है, उसमें अंदर रेड बॉल्स की काउंटिंग है 5 और ब्लू बॉल्स की काउंटिंग है 4, तो मुझे बताइए फ्रैक्शन रेड बॉल का क्या होगा। चलिए वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 9। उसी तरह से फ्रैक्शन बताइए मुझे ब्लू बॉल का कितना होगा, 4 आउट ऑफ 9, वेरी गुड। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1, दैट इज होल। ओके नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 था, एग्जाम्पल 3 लेके चलते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल का एक क्लास है, चलिए क्लास को मान लेते हैं 10, और इस क्लास में सपोज टोटल 40 स्टूडेंट्स है। इस 40 स्टूडेंट्स में जो मेन है या फिर जिसको बॉयज कह लेते हैं हम, वो हमारे हैं चलिए 19 कर लेते हैं, ठीक है। बस इतने हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, डेट्स इट। अब आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए फ्रैक्शन क्या है बॉयज का, वेरी गुड, आप बोल देंगे 19 आउट ऑफ 40, एक्सलेंट। लेकिन मैं आपको पूछूँ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट के अंदर या फिर स्कूल का जो क्लास है उसके अंदर स्टूडेंट में हमेशा बॉयज और गर्ल्स ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट माइनस बॉयज डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स, जो गर्ल्स का क्या है, ये हमारा गर्ल्स है, तो गर्ल्स हमारे कितना हो जाएंगे 40 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 40, विच इज़ इक्वल टू 21 बाई 40, है ना। आप इन दो को ऐड कर लेंगे तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके फ्रैक्शन में काम में आते हैं। अब अगर डायग्रामेटिकली इसको समझे, सपोज मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में मैं आपको 4 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक पार्ट को इस तरह शेड कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट को इस तरह शेड कर रहा हूँ, तीसरे पार्ट को ऐसे शेड कर रहा हूँ, चौथे पार्ट को हैश पाउंड से कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ इस वाले पार्ट का, यानी इस वाले पार्ट का क्या है, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाले पार्ट का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, हो जाएगा 1 आउट ऑफ 4। इस वाले का
क्या हो जाएगा, वन आउट ऑफ फोर, इस वाले पार्ट का हो जाएगा वन आउट ऑफ फोर, और इस वाले पार्ट का हो जाएगा वन आउट ऑफ फोर, यानी यहां पे हर एक पार्ट इंडिविजुअल पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी फ्रैक्शन हर एक क्या इक्वल है। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं आज। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला का आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पे आपके पास, मैं पहले बता दूं, कोई फ्रैक्शन मान लीजिए जो कि है a बाई बी, इसमें अगर a का वैल्यू छोटा है b से, या मैं कह लूं न्यूमरेटर का वैल्यू, न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे, डिनोमेटर के वैल्यू से, तो हम उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देख लीजिए जाए 4 आउट ऑफ 7, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए 2 आउट ऑफ 6, या फिर 3 आउट ऑफ 9, या फिर 4 आउट ऑफ 12, ये सारे के सारे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहां पे हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है डिनोमेटर से छोटा है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और जो पॉइंट यहां पे आता है जो आपको नोट के हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, सपोज मैं 4 बाई 7 को डिवाइड करता हूं, जैसे आपको दिखाने के लिए एक एग्जांपल, तो यहां पर अगर मैं करूं तो मेरे को पॉइंट डाल के यहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर समथिंग 5 35 ऐसे कुछ चलता रहेगा। चलिए तो यहां पर डिवाइड करने का मैंने मकसद नहीं है, यहां पर एक्स को भी अगर मैं करूं 2 बाई 6, यहां पर अगर 2 कर दूं तो पॉइंट डाल के 0, 6 3 18, फिर 2 चलता रहेगा। आप अगर ये चीज़ करते रहेंगे तो आप चीज़ देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का ये इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर फ्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है उसका जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू या उसका जो इक्वल हम जो उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 point something आता है, यानी विच इज ऑलवेज लेस देन वन, आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा लेस देन आना चाहिए या आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखिए जैसे मैंने कहा था a बाई बी में क्या था, क्या था ए बाई बी में प्रॉपर फ्रैक्शन में, a का वैल्यू लेस देन b, उसी तरह से अगर यहां पे a का वैल्यू इज ग्रेटर देन b है, या फिर न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर देन डिनोमेटर का वैल्यू है, तो हम उसे कहते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं 4 बाई 3, 3 बाई 2, 11 बाई 2 एक्सेट्रा। तो यहां भी एक नोट बन जाएगा क्या है, अगर मैं 4 बाई 3 करूं तो समथिंग कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, उस तरह से अगर मैं 11 बाई 2 करूं तो आप एक चीज क्या नोट कर रहे हैं, यहां पे एक चीज नोट करने वाला इंपॉर्टेंट ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू आपका है वो हमेशा 1 point something आता है, यानी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा होता है तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्योंकि वैल्यू बड़ा होता है न्यूमरेटर का इसलिए हमेशा ये ग्रेटर देन 1। अब आते हैं थर्ड फॉर्म में,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक और मतलब होता है, अगर मान लीजिए मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक पार्ट मान लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल प्लस पार्ट में लिखूं तो वो हमारा थर्ड नंबर बन जाएगा, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और कंपाउंड फंक्शन, कंपाउंड क्यों, समझ गए होंगे आप कंपाउंड क्यों, जी बिल्कुल सही कहा आपने, कंपाउंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों में होल भी है और पार्ट भी है। कैसे करते हैं इसको, सपोज मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 15 बाय 2, तो इसका आंसर जो होगा उसको हम करेंगे, अगर 15 डिवाइडेड बाय 2 करें तो यहाँ पे आएगा 15, तो ये आएगा 2 7 14, यहाँ पे 1, ये हमारा आ चुका है, हम इस पर पॉइंट नहीं करते, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 7 होल टोटल पार्ट्स और 1 पार्ट आउट ऑफ 2। फॉर्मेट क्या है ज़रा देख लें इसका लिखने का, ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है, ये हमारा होता है कोशेंट, ये होता है हमारा डिविडेंट डीवीडी, और ये होता है डिवाइजर डीवीएस। तो जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है मिक्स फ्रैक्शन का, वो होता है आपका कोशेंट रिमाइंडर डिवाइडर बाय डिविजर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लीजिए कॉपी में सारे पॉइंट्स को, आपको काफ़ी याद रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपको एक दफा बता दूं, 14 डिवाइडर बाय 3 अगर मैं इसको करूं तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 3 4 12 13 14, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं आपको बोल दूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ने कह दिया 4 2 बाय 3 था, इसका फॉर्मेट क्या था आपका, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइडर बाय डिविजर, ये तो आपने कर लिया था डिवाइड करके, लेकिन इसको फिर वापस करने का जो फॉर्मूला, इसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं, याद रखिएगा हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा ये, तो करने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, आपको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करने का कोशेंट को, प्लस फिर लास्ट में आपको रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए करके करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 14 आउट ऑफ 3, उसको आपने क्या किया, पहले डिवाइड किया 3 रख के 14 किया था, 3 4 12 रिमाइंडर आया था 2, तो आपने इसको कर दिया था 4 2 बाय 3। ठीक है, चलिए ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको ये करूँ फॉर्मूला में डालूँ, ये रहा, मुझे वापस जाना है वहाँ पे, तो क्या करूँगा, डिविजर कौन सा है इसका 4, मल्टीप्लाई करूँगा किसका, कोशेंट के साथ, कोशेंट क्या है इसका, सही डिविजर ये वाला है, डिविजर ये वाला है, ये वाला कोशेंट है और ये वाला रिमाइंडर है, तो मुझे 4 के साथ क्या करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस मुझे 2 करना पड़ेगा। देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, 14 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा हाँ, यहाँ पे डिविजर भी आता है लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में डिविजर भी आएगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तो अब हमें वही मिल गया जिससे हमने स्टार्ट किया था, यानी हमने एक चीज़ क्या देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन से फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है फ्रैक्शन के और इसको आपको अभी प्रैक्टिस करना है। जो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि अभी हमने जो रिकॉल कर लेते हैं, जो जो टॉपिक हमने पढ़ा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, कन्वर्शन भी देख लिया हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर, माफ कीजिएगा, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स से इम्प्रॉपर, ये आपको देखना है वीडियोस को। और कोई भी अगर डाउट आती है तो मुझे कमेंट बतानी है, कमेंट बताने से ये होगा कि आपकी जो डाउट है वो सिर्फ आपकी नहीं, किसी और को भी डाउट हो सकती है, तो काफ़ी बच्चों को इससे मदद मिलेगी और वो आगे आराम से पढ़ सकेंगे। बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बताइएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको वीडियो समझने में तो प्लीज़ उसको लिखिए, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पा रहा हूँ और आपकी सपोर्ट की मुझे ऐसे ही ज़रूरत रहेगी। बच्चों इसी टॉपिक के साथ अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो की आप वेट कीजिए, तब तक के लिए इस वीडियोस को बार बार देखिए और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ उसको मुझे कमेंट में लिख के बताइए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।